चिली पनीर समोसा है, पंजाबी पनीर समोसा है, बहुत तरीके के समोसे हैं। कुमार समोसा वाले, मैं आपको लगा था कभी फेमस होंगे। स्टूडेंट लाइफ में तो ऐसा मालूम नहीं पड़ता ना। भैया बहुत पोलाइटली बोल रहे हो, बोल दो। ये नल्ला कभी नहीं लगा था हमें, इसके फॉलोअर बढ़ेंगे। दुनिया में कितने भी बंटवारे हो जाए, देयर इज वन दैट ट्रम्प्स देम ऑल, दिल्ली का बंटवारा। Each part has different stereotypes attached to it. चाहे वो वेस्ट का खाना हो, ईस्ट के ट्यूशंस हो, नॉर्थ के यूनिवर्सिटीज हो, सेंट्रल की बैरिकेडिंग हो या साउथ का पैसा हो। On today's episode of तेरे गली में, we're going to hang out in North campus with such a creator जिन्होंने इस डिविजन को ऐसे पढ़ा कि बॉलीवुड खुद उन तक आ गया। रैंट किंग, क्रिकेट सुपर फैन एंड वेस्ट दिल्ली रिप्रेजेंट। Let's welcome Yuvraj Dua. ये मेरी वैले में दे देना चाबी, मेरे बैग की, ठीक है? ओके, हेलो, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ, आप बताओ? बस फर्स्ट क्लास। बस ठीक है सब। अच्छा हो गया इंट्रो। तो आज हम हिंदू कॉलेज आए हैं। You are from Hindu College? I am from Hindu College. It's surprising. Please tell us more. It is surprising क्योंकि content creator को लल्ले माना जाता है usually, but we are not. यार मेरा ऐसा सीन था, school के बाद मेरी percentage वैसी नहीं आई थी जैसी मुझे चाहिए थी, तो मेरे को करनी इको ऑनर्स थी, बट मेरे उस हिसाब से नंबर नहीं आए थे उसमें। आपको पता ही है 102% चाहिए होते हैं, आपको एक उंगली काट के देनी पड़ती है और आपको एरोनॉटिकल इंजीनियर भी होना जरूरी है, एक मून की ट्रिप भी लगानी पड़ती है, तो वो सब हमारे में नहीं था। तो मैंने फिर कोर्स ऐसा चूज कर लिया जो मेरी परसेंटेज के हिसाब से मिल जाए, व्हिच वाज बीएससी फिजिकल साइंस इलेक्ट्रॉनिक्स। दोस 3 इयर्स वर द बेस्ट 3 इयर्स ऑफ माय लाइफ एंड आई डोंट इवन हैव टू लिव माय लाइफ पूरी टू कंफर्म इट कि यही 3 साल बेस्ट थे। आई कैन ऑलरेडी से ये बेस्ट थे। तो मेरा फिर यहाँ एडमिशन हो गया था बीएससी फिजिकल साइंस इलेक्ट्रॉनिक्स में, बट मेरा मेजर ऑनर्स बीएससी में नहीं था, सृज्या में था, जो मेरी डांस सोसाइटी का नाम था। अब आप मुझे कहाँ लेकर जाने वाले हो? सो आउटसाइड आवर कॉलेज आवर फेवरेट स्पॉट वाज जिसके बाहर जिस पे हम हमेशा प्रैक्टिस के बाद बैठते, दैट इज ग्रीन कैफे। लेट्स गो, लेट्स गो। ये है हमारा प्यारा, हमारा बेस्ट, जहाँ हमने कॉलेज से ज्यादा टाइम बिताया है। यहाँ पे हमारी अटेंडेंस हमेशा 100% रही है। आई प्रेजेंट टू यू द ग्रीन कैफे। लिखा कहाँ है? एज द कलर सजेस्ट। नो, इट्स जस्ट मैंने चश्मा पहना आज। भैया आपको पता है कौन है? हाँ, ये भैया को जानता हूँ ना मैं, क्या हाल है? बढ़िया। हमें यहाँ पे ऑर्डर देने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि हम यहाँ बैठते हैं, दैट्स ऑर्डर इनफ। बताओ भैया हम क्या खाते हैं यहाँ पे? मैगी और ब्रेड ऑमलेट। इसका आपका फेवरेट है? हमारा फेवरेट है। मैं आज बाकी दोस्तों में लेकिन एक लड़का याद है आपको? दूसरा दीपांशु। दीपांशु याद तो है। अपार्ट फ्रॉम द कॉलेज एंड इको बालकनी, दिस इज द मोस्ट स्पेशल प्लेस बिकॉज यहाँ पे ना हम अपनी कोरियोग्राफी डिस्कस करते थे, व्हाट आर वी गोइंग टू डू नेक्स्ट। हम कोरियोग्राफर भी हायर करते थे तो उनपे फीडबैक डिस्कस करते थे, तो कॉस्ट्यूम यहाँ डिस्कस करते थे, तो जो स्टेज पे ट्रांसलेट होता था मोस्टली डिस्कस यहीं पे होता था। सो वी यूज्ड टू बी 5 or 6 गर्ल्स मे बी एंड 2-3 गाइस, जो अब जो लड़कियों में कन्वर्ट हो गए थे एक टाइम पे, बिकॉज द डांस सोसाइटी एज अ प्लेस इज सच दैट इट्स सो सेंसिटिव, इट्स सो फेमिनिन। बट यू नो हाउ टू डांस? आई नो हाउ टू डांस, आई नो मोर देन हाउ टू डांस। आई कैन यू डू? या आई कैन डू। बहुत सारे ऐसे छाओ डांस फॉर्म होता था उसमें हम पूरा कंटेम्प्रेरी में बेसिकली क्या होता है, इट्स मोर अबाउट इमोशंस एंड एक्सप्रेशंस देन द स्टेप्स। डांस हमें इतना आता नहीं था, वो हमें सीनियर सिखा देते थे, बट हमारी सोसाइटी का ये मैंडेट होता था दैट यू हैव टू जस्ट फोकस ऑन इमोशन। लो जी भाई, मैंने क्या बोला था, ये दिखाओ, ऊपर मैगी मसाला छिड़का हुआ है, इधर भी डाला हुआ है, इधर भी डाला हुआ है। भैया आप टेस्ट करो पहले इसको। अरे लो ना पहले मैं। एक टाइम पे मेरे को एक मेरा लड़का दोस्त मिला था दीपांशु नाम का, जो थर्ड ईयर में प्रेसिडेंट था, थर्ड ईयर में मैं वाइस प्रेसिडेंट था,
तो हमारी इतनी डांस सोसाइटी का आई विल मेंशन दैट एट लीस्ट 5 और 6 मोर टाइम्स. तो दीपांशु बहादुरगढ़ से था. ओके. उसके घर से टिफिन आता था ब्राउन राइस का और घी ऐसे टपक रहा होता था. पीक हरियाणा बिहेवियर हुआ. घी तो हेल्दी है. डिमांड ऑन अमाउंट. जो अमाउंट है उस पर डिपेंड करता है. उसके घर से इतना बड़ा कनस्तर आता था. कोई भी नहीं खाता था क्योंकि किसी को इतने गेम इंटरेस्ट नहीं. क्योंकि पर मुझे गेन करना था. oh. उस टाइम पे हर लड़के का सपना होता मुझे बॉडी बना के. तो फर्स्ट स्टेप टू दैट वाज ईटिंग दीपांशु के घर का घी. नाउ वी शैल गो टुवर्ड्स द बेस्ट भेलपुरी इन द वर्ल्ड. हिंदू के बाहर लगती है. दीपांशु याद है मेरे साथ लड़का होता था पागल सा. हम दोनों पागल करते थे आपको. तो हमारा भेलपुरी का ऑर्डर रहता था चटनी हरी चटनी ज्यादा और मीठी वाली कप. तो हमारे लिए एक बना दो 20 वाली. ज़्यादा बड़ी नहीं खाएंगे. अच्छा प्राइस साइज़ होता है. हाँ भैया 20 और 40 की होती है ना. 25-40 5 रुपए बढ़ गए हैं भाई. इन्फ्लेशन हैज़ आल्सो हिट एडवाइस भेलपुरी वाला. सो दिस इज़ द मोस्ट स्पेशल भेलपुरी आई हैव हैड एवर. कई भेलपुरी खाई है. आपको खिलाएंगे पहले ना सारा. खाओ खाओ. और ये हेल्दी भी है. हमने पूरा कंफर्म वेरीफाई करके ये जो पफ डले होते हैं राइस पफ्स वो भुने हुए होते हैं. बेक्ड रोस्टेड नॉट फ्राइड. बस ऊपर जो थोड़ी भुजिया आई थिंक सिर्फ वही अनहेल्दी है. मैं चटनी बहुत अच्छी बनाएंगे भैया. थोड़ी रेसिपी घर पे बना लेंगे. रेसिपी है जो सारा सामान है वो मिक्स कर दिया आपने. आई थिंक द मात्रा ऑफ चटनी नहीं पता. ग्रीन चटनी इज नाइसली मेड. बहुत अच्छी बनी ग्रीन चटनी. टेस्टी. तभी तो अभी मैं ग्रीन डाल रहा हूं. मैं आते ही बोला ना कि ग्रीन ज्यादा होती है वो कम होती है. मेरे को सॉल्ट मेटल लगती है. क्या मीठी वाली? हाँ. मुझे वो कम पसंद है. मुझे मीठा कम पसंद है ना. सो नाउ वी विल गो टू पीजी साउथ इंडियन अन्ना कैफे. वहां भी हमारा स्टेपल ऑर्डर हुआ करता था वो वहां बताओ. चलो अब अपनी मेबैग में अगली लोकेशन तक चलते हैं. आ जाओ आ जाओ. सो दिस इज पीजी अन्ना साउथ इंडियन कैफे. यही था. हाँ हमारे आने के बाद ही सारे बोर्ड लगे हैं. हाँ. हमारी औकात नहीं समझते थे कि इनको हम अच्छी प्रेजेंटेशन दें. बट नाउ फॉलोअर्स आ गए. देखो तो युवराज आता था यहाँ पे लगा देते. जस्ट एक घंटे पहले यहाँ पे कंस्ट्रक्शन होके ये लगाया गया बट अंदर से वैसा ही हुआ. हो चले. मैम प्लीज बैठो. दिस इज आवर सेकंड प्लेस ऑफ मील ट्रिप. कॉलेज में भी यही करते थे. अब हम आ गए पीजी साउथ इंडियन अन्ना कैफे जहाँ पे हमारा यूजुअली सेम ऑर्डर रहता था. हम जो दो चार पागल सांड बैठते थे साथ में ये पता नहीं ले सकते हैं कि नहीं. और हमारा ऑर्डर रहता था एक मसाला डोसा एक टमाटो एग राइस एक चाउमिन एक हम 8 लोग होते थे तो उसके हिसाब से बता रहा हूँ. एंड ये रिपीट होता रहता था और साथ में एक मिक्स उत्पन्न होने चाहिए. स्टेबल ऑर्डर था पूरा मेन्यू. पूरा मेन्यू जो जो साउथ इंडियन डिशेस दिल्ली वालों को पता होते हैं हम वो ही लेने वाले. चटाक कहाँ से आया यार? एक बार ना मैं एक वीडियो बना रहा था फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स पे. अच्छा. तो मैं उसकी डेफिनेशन निकाल रहा था. सो आई थॉट एंड थॉट एंड थॉट. आई वाज लाइक फ्रेंड्स विद बेनिफिट इज लाइक नो कमिटमेंट ओनली एंजॉयमेंट. चटाक कजन्स का मिल गया कैच फ्रेज नहीं बन जाता था. मतलब और चटक गया ऐसे चटक गया वो भाई गिर गया तो एक टाइम पे गिर गया वो रिप्लेस हो चटक गया. ओके. दे भाई इसका घुटना चटक गया. दे भाई चेयर का एक एक टांग चटक गई. तो चटक चटक मेरे दिमाग में बहुत चलता था. ऑर्डर भी आ गया हमारा. देयर इज अ प्रोटोकॉल टू इट. यू टेक दिस ये लाल वाली टोमेटो चटनी है. ये कोकोनट चटनी है. ये कोकोनट प्लस टोमेटो चटनी है. देन क्योंकि जब आप बाइट लेके डिप करते हो तो आधा सांबर बाहर आ जाता है. हेंस यू हैव टू टेक इट इन द स्पून. मैं दोनों चटनी पकड़ तेरे लिए बना रहा हूं पागल. अरे मैं नारियल चटनी नहीं खाती. अब खानी पड़ेगी भाई. आए खाने पे काम कर रही है. नारियल चटनी नहीं खाती. ये प्रोटोकॉल है कि ऐसे ही खाना है वरना पूरा टेस्ट नहीं आएगा.
है ना, नाइस, थैंक गॉड ज्यादा टेस्ट नहीं आना रही पूरा पूरा साउथ मतलब आई पर्सनली फील दिस इज द बेस्ट साउथ इंडियन फूड आई एवर हैड. दिस इज द मोस्ट पंजाबी वे ऑफ ईटिंग साउथ इंडियन फूड. जो दे दे सारी चीजें, जो सारी चीजें मिक्स करके खाएंगे. But you know why we used to like this also? It fit into our budget. और हमारा उत्तम भी आ गया है. तो हम गेम खेलेंगे, चटाक या पटाक. गेम का रूल्स ये हैं कि चटाक मींस यस गुड एंड पटाक मींस नो नेवर. And I'll give you food combinations. और फूड बोला तो सारे चटाक हैं भाई. नहीं बताती हूँ अभी. हाँ. So you tell me whether you will try them or not. Okay. ठीक है. Mayonnaise or momos? Always चटाक है. Only option. पागल है क्या दिल्ली में आएगा कभी? एक मिनट, मोमोज और मेयोनीज तो साथ ही चलते हैं ना. तो तू लाल चटनी मोमोज के लिए बनी ही वो. अबे यू डोंट नो हाउ मोमोज आर सर्वड इन वेस्ट दिल्ली. हां वेस्ट दिल्ली 30 के 16 मिलते हैं. एक प्लेट होती है जिसमें सिर्फ मोमोज होते हैं और एक प्लेट होती है जिसमें आधी प्लेट में लाल चटनी होती है, आधी प्लेट में मेयोनीज होती है. केचप के साथ कुछ भी? आई डोंट लाइक केचप. गुड. तो पटाक. पटाक. लंच बॉक्स वाली मैगी जमी जाती है तब से. यार फॉर द नॉस्टैल्जिया फैक्टर चटाक. चीज विद एवरीथिंग. हर चीज के ऊपर थोड़ा सा चीज डाल दो. मैं अंडे खा ही इस बेसिस पे पाता हूँ ताकि उसमें चीज. सो चटाक फुल चटाक. अब किशमिश और समोसा. समोसा जो किशमिश सो समोसा हमारे वहाँ कुमार समोसे वाला है, उसमें एक्चुअली खोया समोसा मिलता है. उसके पास चिली पनीर समोसा है, पंजाबी पनीर समोसा है, शाही पनीर समोसा है, मलाई चाट समोसा है, रेड चाट समोसा है, पीला समोसा है, चॉप समोसा है, कोया समोसा है, चाट पनीर समोसा है, बटर समोसा है, साथ में कोई समोसा है, लच्छा पाव समोसा है, सोफा समोसा है, सोफा समोसा है. बहुत तरीके के समोसे हैं. ये कुमार समोसा वाले. मेरी फ्यूचर वेटर की नौकरी तैयार हो रही है. पानी में बिस्किट. यार पानी में पार्ले जी इज वेरी टेस्टी. जैसी ये रिएक्शन नहीं है ना अब चटाएगा, वरना आई एम वेटिंग फॉर योर रिएक्शन. आई लव इट. जब चाय नहीं मिलती और चाय का वो सब नहीं चाहिए तो पानी में डाल देना. I actually feel Parle Ji in पानी is tastier than चाय. फ्लेवर आता है ना Parle Ji का. प्लीज आप हमें कैंसिल ना कर देना. मैं शायद कुछ और रेसिस्ट या सेक्सिस्ट बोल देता तो एक्सेप्ट कर लेते. ये तो मुझे लगता है ऑडियंस नहीं करेगी एक्सेप्ट. फ्राइज और आइसक्रीम नहीं भाई. देखिए मोमोज और मेयोनीज में आइसक्रीम फ्राइज एक्चुअली टेस्टी होता है. स्वीट एंड सॉल्टी का जो कॉम्बिनेशन होता है वो मेयोनीज और मोमोज भी है कहीं ना कहीं. नरक के मेंबर्स अगर आप देख रहे हैं, यू हैव योर लेटेस्ट एडिशन मेयोनीज के साथ मोमोज. हम दोनों साथ में आएंगे. हम मेरी एक्टिवा पे बैठे नरक आएंगे भाई. पागल होता है भाई. फाइनल पाइनएप्पल ऑन पिज्जा. आई हैव नेवर हैड बट विल यू. दिस इज नॉट अमेरिका बट विल यू. हैड पिज्जा. आई डोंट ईट पिज्जा. आई लव पिज्जा बिकॉज़ ऑफ हेल्थ रीजंस. आई डोंट. It's a patak. Totally a patak. It's not even patak. It's kaanta. सबसे बड़ा कांटा दुनिया का. Yeah. So we're done with the game, and now we're going to eat. Yeah, that's the best game. Next हम जाएंगे मजनू का टीला जहाँ पे है आमा कैफे. वैसे it used to be reserved for rich people. लेकिन हम साल डेढ़ साल में एक बार चले जाते थे और एक बार ही वहाँ हमारी बड़ी स्पेशल मेमोरी बन गई थी. And that's why I want to take you to that place. Let's go. आमा कैफे. एक आप कर दो दुनिया के सबसे सुंदर पैनकेक्स. yes. और एक हम क्योंकि थोड़ी हेल्दी डाइट पे चल रहे हैं फ्रूट सैलेड कर दो एक. okay. yes. तो आमा कैफे की क्या स्टोरी है? आमा कैफे की स्टोरी ये है. पहली बात तो आप देख सकते हैं यहाँ के इंटीरियर, यहाँ की डेकोरेशन और यहाँ का एस्थेटिक देख के कि हमारे जैसे को एंट्री तो यहाँ मिलना मुश्किल है. बट कोई और पैसे दे रहा हो तो हम आ जाते हैं. मेरी तो एंट्री हो जाएगी. इसकी तो कश्मीरी शक्ल देख के हो जाएगी. रणबीर कपूर की भांजी हमारे साथ है. तो आमा कैफे का ऐसा सीन है यार, दिस इज अ वेरी स्पेशल प्लेस बिकॉज द फर्स्ट शूट आई हैड इन माय लाइफ वाज एट दिस वाज वन ऑफ द लोकेशंस. इट वाज नॉन पेड. इट वाज फॉर अ फ्रेंड. तो हम सृज्या एज अ सोसाइटी हम मूड इंडिगो गए थे विच इज IIT बॉम्बे का फेस्ट. तो वहां पे जब हम ट्रेन में थे ना तो हमें एक दूसरे कॉलेज का ग्रुप मिल गया. ट्रेन में ही होता है आपस में नाच गाना मस्ती मजाक कर रहे हैं. कोई भी मिल जाए, कोई भी इंसान जानवर मिल जाए उसके साथ बात कर लेंगे, उसके साथ वाइब कर लेंगे. तो वहां पे हमें एक लड़का मिला था अभिषेक नेगी नाम का. वो वीडियोग्राफर था. तो उसे ना अपनी एक कंपनी में अप्लाई करना था एंड
for an internship. He wanted to shoot something. लड़की को बोला कि हम ना तीन चार जगह शूट करेंगे, एक वो अपने फ्लैट पे शूट करा लिया, एक उसने आमा कैफे पे MKT में नीचे लाफिंग वाले के साथ में, और एक और जगह. तो हम बस एज अ कपल शूट था वो, मतलब कपल नहीं थे, बस सोसाइटी में लड़के थे. दैट वाज मोस्ट अमाउंट ऑफ फीमेल इंटरेक्शन. अभिषेक नेगी को थैंक यू बोलता हूँ मैं, किसी लड़की को छू पाया मैं उसकी वजह से. तो यू आर अ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, इसकी क्या स्टोरी है? यार उसकी स्टोरी नहीं है, मैं मजबूरी में हो गया था एक्चुअली. क्योंकि क्रिकेट को मैंने बहुत कुछ दिया, वो वापस दे नहीं रहा था इतना. तो मुझे एक टाइम पे समझ आ गया था यार कि व्हेन यू आर प्लेइंग क्रिकेट ना, आपको समझ आ जाता है कि उस लेवल की गेम नहीं है. एंड यू रियलाइज दैट एग्जैक्ट मोमेंट ऑफ डूम दैट यू नो दिस इज नॉट, दिस इज लास्ट नहीं है इसमें. मैं इतनी दुख भरी अपनी ट्रॉमा सुना रहा हूँ कि इस मोमेंट में मुझे रियलाइज हुआ था कि मुझे वन ऑफ द मोस्ट लव थिंग्स छोड़नी पड़ी, और ये मैडम हंसती है. कोई बात नहीं, रणवीर कपूर की भांजी है इसलिए माफ कर रहा हूँ. So I realized at one point of time, I think first year के वक्त कि क्रिकेट में मैं खेलता तो रहूंगा जिंदगी भर, I'll be obsessed with it, it'll be a very major part of my heart. But एक time पे समझ आ गया था कि मैं कोचिंग तो जाता जा रहा हूँ, लेकिन अब वो बात नहीं बन पा रही, वो लेवल नहीं बन पाएगा गेम का. क्योंकि एक तो एम यही होता है ना, IPL खेलना है. IPL खेलने वाली मेरे में स्ट्रेंथ नहीं थी, मेरे में गेम नहीं थी, मेरी बिगेटिंग नहीं थी. तो मैंने सोचा कि अब क्रिकेट में छोड़ रहा हूँ, तो आई विल ग्रैब द नेक्स्ट बेस्ट थिंग टू इट. सो आई थॉट आई वांट टू स्टे क्लोज टू द गेम, सो आई डू स्पोर्ट्स जर्नलिज्म. सो फर्स्ट माय फर्स्ट इंटर्नशिप इन लाइफ, तो बहुत फनी स्टोरी है. तो एक मैं इंटर्नशाला पे अप्लाई कर रहा था, सभी करते हैं इंटर्नशाला, हम कॉलेज से निकले हुए ग्रेजुएट्स की मसीहा. तो मैं अप्लाई करे जा रहा था, एक कंपनी से मुझे वो आया कॉल, रूटर स्पोर्ट्स. उन्होंने मेरे को बुलाया फॉर सोशल मीडिया मार्केटिंग. उन्होंने बोला क्रिकेट मीम्स बनाने हैं. मैं बोला क्रिकेट भी आता है, मीम भी आता है, दोनों साथ में बनाते रहेंगे. तो क्रिकेट मीम्स मैं बना रहा था, दो दिन हो गए. तीसरे दिन ना उन्होंने अपने ऐप पे कमेंट्री का सेक्शन चालू कर दिया. उन्होंने ऑफिस में पूछा कमेंट्री कर लेता कोई, मुझे सब आप मैं करूंगा. तो मुझे आती नहीं थी, बट मुझे इतना पता था मैं मैच देखते देखते ना कर लेता हूँ. क्योंकि मार्क निकोलस बहुत सुना है, हर्षा भोगले बहुत सुना है. तो जो मेरे इंग्लिश के बेसिक्स हैं वो मेरी इंग्लिश टीचरों ने नहीं, हर्षा भोगले, रवि शास्त्री और मार्क निकोलस, डेविड लॉयड ने क्लियर कराए हैं. सो या दैट्स हाउ आई ट्रांजिशन फर्स्ट टाइम इनटू समथिंग क्रिएटिव. उस टाइम ना इस चीज के 12,000 में मिल रहे थे यार. तो जब खुद के 12,000 मिल रहे होते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि दिस इज $1,000,000. मतलब पापा से मिल जाता था सामान, सब कुछ फोन पापा लेते थे, खाना पापा खिलाते थे, बिल वगैरह सारे. बट वो 12,000 ना आज भी उतने ही स्पेशल रहेंगे जितना मुझे एक रील का कमर्शियल मिलता है ना. बहुत फर्क है उसमें, लेकिन स्पेशल उतने. तो यार इंटरव्यूज लेके मुझे रियलाइज हुआ कि प्रॉब्लम ये हो रही थी स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में कि आई वॉन्टेड टू प्ले क्रिकेट, आई वॉन्टेड टू बी ऑन द ग्रीन ग्रास रादर देन ऑन द अदर साइड. ग्रास वॉज ग्रीनर ऑन द अदर साइड यार. नहीं, आई वॉन्टेड टू बी प्लेइंग. तो स्पोर्ट जर्नलिज्म करके ना रोज रोज प्रेजेंटिंग करके दिल जलता था. आई एम सो क्लोज टू द गेम स्टिल सो फार. सो देन आई रियलाइज्ड आई डू समथिंग ऑन माय ओन. देन आई हमारे टाइम पे यही होते थे जो बना रहे थे, कुशा बना रही थी. कंटेंट क्रिएटर्स एज सच कोई टर्म नहीं था. कुशा, अंकुश, डॉली तब बहुत फेमस थे जो आईडीवा में इंडेक्स पे बनाते थे ना. आईडीवा, हां आईडीवा. कुशा, ओहो, अमीरों का खाना, ये आपकी तरफ, ये भी आपकी तरफ, ये भी आपकी तरफ, महंगा फोन भी तुम्हारी तरफ. सो या तब कुशा का वो बहुत फेमस था, मां मुरादे पूरी कर दे अल्लाह बाटूंगी, मां मुरादे पूरी कर दे अल्लाह बाटूंगी. तो मतलब सरप्राइजिंग दैट यू और नॉन रिच थिंग्स. सो यार तो ये बहुत फेमस था. तो मैंने बोला यार अपना करते हैं, एंड इट वाज ऑलवेज विद द एम ऑफ मेकिंग समथिंग आउट ऑफ इट, नॉट जस्ट एज अ साइड हॉबी. फर्स्ट ईयर लगातार बनाता रहा. जनवरी में फिर जाके अगले साल जैसे मैंने 15 सेकंड की भौंक पिट्टी करनी चालू करी ना, दैड रेंट 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 रेंट, जैसे मैंने बेइज्जती करनी चालू करी. आई डोंट नो व्हाई पीपल लाइक बेइज्जती रोस्टिंग, मतलब एकदम से अट्रैक्ट हो जाते हैं लोग. ओहो मजा है ना कि कोई सबके अंदर एक आंटी है, सबके अंदर एक मम्मी आंटी है,
दिस पम्मी दिस मंजू. तो इनको मेरे ख्याल आंटी संतुष्ट हो जाती है जब किसी और की बेइज्जती सुनते हो ना. ओवरऑल आई थिंक कंटेंट क्रिएशन वाज द बेस्ट डिसीजन एवर आफ्टर डिसाइडिंग टू कमिंग ऑन दिस इंटरव्यू विद आंजी ऑफ रणबीर कपूर. But I think there is a better decision than that also. You were the dialect coach. उसमें तो कोई decision ही नहीं था यार. उसमें तो obvious था ये तो करना ही है. For Bollywood, Rocky और रानी की प्रेम कहानी में. He was a dialect coach for Ranveer Singh. Ranveer Singh. How was that? It was भाई. First of all, it did so much for my total perspective of people की दो लोग जिसको ये नहीं पता ना कि ये युवराज हुआ है उसे दो चीजें पता है. या तो ये चटैक बेबी है या वो आपने रणवीर को एक्सेंट सिखाया था ना दिल्ली का. मैं कहा हाँ हाँ मैंने एक्सेंट सिखाया था तो लोग उससे भी पहचान लेते हैं. तो अगर उसने मेरे को एक और पहचान दे दी है इट वाज सो सक्सेसफुल फॉर मी. सेट पे ना मैं रोज सेट पे जाता था. रणवीर के घर भी बहुत बार गया हूँ. रणवीर ने लिटरली मेरे को छोटे भाई की तरह ट्रीट किया. रैंडमली एक दिन जिम में मेरे से पूछ लिया. जिम जाते थे बोला है नहीं क्योंकि अब मेरे को ना आदत हो गई है मैं रणवीर के साथ ही जाऊंगा या फिर नहीं जाऊंगा इसलिए मेरा डोला नहीं बन रहा. जिम में रैंडमली मेरे से पूछता तेरे पैर बड़े लग रहे हैं तेरे क्या साइज है. मतलब ये जेड़ा पूरा इनडायरेक्ट कास्टिंग. बता होगा 9:30 होगा. अच्छा चल ठीक मेरा तो 9 है. अगले दिन घर पे जब उसके लिखने गए हुए दो जूते से पड़े हुए युवराज फॉर यू. मतलब बीइंग रणवीर सिंह ही हैड द courtesy to not ask directly also. Yeah. कि obviously I'd be like, नहीं नहीं देखो अरे मम्मी मना करती है नहीं लो मम्मी रख लो आप. तो ऐसा हो जाता नहीं नहीं भाभी जी प्लीज रहने दो. वैसे हो जाता कि सगन नहीं लेना पसंद कर. तो his way of giving सगन was two Adidas के 10,000 वाले जूते. These are also I think 0.0001% of his net worth. But वो ऐसे और उसका और मेरा क्रिकेट लव बहुत कॉमन है. तो हमारा एक बहुत ही वो रहता था ट्रेडमार्क रहता था. हमें सेट पे जाता था रोज एंड हम एक दूसरे को फीडबैक देते थे. हम एक दूसरे को ऑन सेट इम्प्रोवाइजेशन बहुत होती थी क्योंकि वहाँ फील समझ आती थी जाके कि ऐसे करना है. सो देयर यू यूज्ड टू रियलाइज कि ओ ये बोल सकते हैं. तो हम दिन के एंड में अपने आप को मार्क्स पता कैसे देते थे. हम बोलते थे रणवीर से पूछता था आज क्या रहा. मुझे लग रहा आज 40 बॉल 50 थी बट अ गुड मैच विनिंग नाउ. अरे तो क्रिकेट टर्म्स में कि जैसे आज अच्छा स्कोर. तो जैसे मैंने उससे पूछा कि आज कैसा लगा वो कह रहा आज तो भाई 40 बॉलों में सेंचुरी पड़ी आज तो फाड़ दिया. आज तो तूने मैच जिता दिया. एक दूसरे से हम ऐसे बात कर सकते. सो इसलिए दो क्रिकेट लवर्स मिल जाए ना वैसे भाई वो तो ब्लड रिलेशन से भी बढ़ के हो जाता. इंग्लिश वर्ड्स की जहाँ हेर फेर होती थी ना क्योंकि उन्हें इंग्लिश आती है वो इंग्लिश से खेल सकते हैं. वो यूजुअली उनकी होती थी. मैं फ्रेजाइल और मींस वो भी उन्हीं का. मैं ऐसे वर्ड बताता जैसे कहीं उंगलबाज बोला हुआ है तो उसे राइट डाउन टू द टी गलीच वर्ड्स बताता था. उंगलबाज अरे ताड़ लो अरे अरे मजे करा देंगे अरे स्पेशल सेलिब्रेशन है अरे जबरदस्त ये सब मैं बताता हुआ. इंग्लिश से वो यूजुअली वो खेलते थे. हां कि वो वेस्टर्नली प्रॉपर नहीं होता. वेस्टर्नली प्रॉपर चाहिए तो मैं फिर गलीच पर गटर में उतरना पड़ेगा. पर कई बार इंग्लिश का किसको बोल रहे हैं? You have to be the worst person ever to. Yeah, so that was my experience of Rocky Run. Okay. Now we're going to play a small game. Oh yeah. Little small game. ये statements हैं. Okay. और बताना है Delhi stereotypes. If these are actually true or not, and you have to be honest about this. ठीक है? हम गाली दिए बिना नहीं रह सकते. 120% true. सबके लिए आपने क्या बनाया दिल्ली में? मैं रह सकता हूँ. देखते हैं ऑफ कैमरा. ट्रू है भाई ट्रू है. गाली दिए बिना आई थिंक जब हम पैदा होते हैं मम्मी पापा से पहला वर्ड जो हमारे मुंह से निकलता है वो नेक्स्ट इज दैट वी आर बिग फेकूस. हम हर चीज में शो ऑफ करते हैं. दैट्स द रिच दिल्ली. जैसे आप डियाब्लो या कहीं जाओगे तो आंटियों को पैन नहीं है भाई. गोल्डन शरारों वाली साड़ियां वो जाए वो क्लबिंग से पहले भी बाल सेट कराएंगे मुआ से. और क्लबिंग में कराती हैं उसको शादियों में क्या क्या कराती होंगी. फेक आईलैशेस लगानी है वो रिच का है. हम जैसे मिडिल क्लास के पास तो है ही नहीं ना शो ऑफ करने के लिए. एक रेडिट फेवरेट है. हम निहायत ही बदतमीज हैं. आई थिंक दैट्स अ वेरी बिग कॉम्प्लीमेंट. आई एग्री. मैंने एक्चुअली रणवीर को बोला था वो दिल्ली वाला कैसे बनना है भाई क्या एक लाइन में बता दे. मैंने कहा बदतमीजियत लानी है लैंग्वेज में हरकतों में नहीं.
लैंग्वेज में कि ले भाई तू रख 1000 का नोट प्रसाद, ये ले प्रसाद, ले पार्किंग लगा लियो। एक्चुअली जो दिल्ली में उसको पता है कि प्यार है इस भाषा में, दूसरे को समझ नहीं आ रहा। द प्रॉब्लम विद बीइंग बदतमीज इज बी ट्रीटेड एज अ वे ऑफ बीइंग स्वीट टू ईच अदर, तीसरे बंदे को वो रूड लगता है। हां और हम आई एम नॉट on a mission to tell people that we are not badtameez, samajhte raho hamare liye to pyar hi hai wo, ye to bahut badtameez hai bhai, ye actual wali badtameez hai, main tera boli se ho na, main andar se bahut, main sab har cheez mein achhai dekhta hu, kisi ko pehle burai dikhti hai, ladai karte hai par bas ki kuch nahi hai, main ladai bhi nahi karta, ha lag raha hai, main mera fix hai, jaise sadak pe koi ho gaya na, kuch koi kaat gaya to main sheesha jab tak बंद है ना, तब तक मैं तो भाई तो मेरे मुंह से गोलियां चल रही होती है भाई, शीशा नहीं होता ना, सॉरी भाई साहब मेरी गलती है। तो या एंड व्हाट अबाउट फेक एक्सेंट्स, फेक एक्सेंट्स नहीं, फेक एक्सेंट्स नहीं है दिल्ली में यार, नॉट ट्रू फॉर ऑल बट फॉर ओवरऑल आई थिंक है, मतलब दयाल सिंह गर्ल्स आर ट्राइंग टू बी एलएसआर। Hindu is trying to be Stephen, so I think fakeness. And everyone's trying to be Ambedkar. Ambedkar, yeah. Impossible. No one is silent. Okay. This is one question जिसके बारे में मुझे already comments मिल चुके हैं, मैं फिर भी पूछ लूँगी। East Delhi doesn't exist. कुछ बात ही नहीं है जब बाहर के बारे में। मेरे को तो सुनाई नहीं दिया उन्होंने क्या बोला। East Delhi क्या उन्होंने बोला? They also deserve dignity. Okay, Delhi is not safe for women. True. For men also, right? And even sometimes when, yeah. Yeah. We don't have road sense. No, we don't. बेस्तियाँ हो रही हैं। नहीं, भाई कहीं चला रहे हो, मतलब लेन बहुत चेंज करते हैं। और लेन है ही नहीं, लेन चेंज करने की बात। और ग्रीन लाइट भी ग्रीन है, रेड लाइट भी ग्रीन है। सब पंजाबी बनने की कोशिश कर रहे हैं। क्या पंजाबी बोलते थे अपने आप को यहाँ पे? पंजाबी मैं तो हूँ, पंजाबी है ही। But I think it's for the larger acceptance. Yeah. मैं बोल रहा हूँ पंजाबी पिटेंगे नहीं हम वैसा। It's a way of getting into the crowd. Yeah. Yes. And finally that we are obsessed with food. As we can see, this interview is based on food. Yes. This is how we. The origination of this interview was not content. Food. We have to eat food. We will round build it. The rest of you will see. Delhi ka khana. So we are so obsessed with food. We made a created whole series out of it. Yes. That was it. Thank you so much for being here, Yuvraj. And now you can leave. No. Let's do it one last time. You have to say it. Yeah. 3, 2, 1. Chatak, baby. Now you can leave.